पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए दिन चटपटी और मजेदार खबरें आती रहती हैं। इस बार ऐसी खबर आई है कि आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सरदार हाजी जान मोहम्मद के घर में 60वें बच्चे ने जन्म लिया है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के सरदार हाजी जान मोहम्मद का दावा है कि बीते रविवार को उनके यहाँ 60वें बच्चे का जन्म हुआ है। हाजी जान मोहम्मद ने बताया कि 60 बच्चों में से 5 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि उनके 55 बच्चे जिंदा हैं और वो सभी हेल्दी हैं। ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग चुटकी लेते हुए कई तरह के कमेंट भी करने लग गए। अच्छा, हैरानी की बात तो ये है कि जान मोहम्मद अभी भी कह रहे हैं कि उनकी पत्नी अभी और बच्चे चाहती हैं। अब इस खबर पर सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। क्वेटा के रहने वाले जान मोहम्मद पेशे से डॉक्टर हैं और उसी इलाके में उनका क्लिनिक भी है। मोहम्मद का कहना है कि ये अल्लाह का रहमत है, वो अपने 60वें बच्चे के जन्म से बेहद खुश हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने 60वें बच्चे का नाम हाजी खुशहाल खान रखा है। जान मोहम्मद ने अब तक 3 शादियां की है। पहली बार उन्होंने 1999 में शादी की थी। पहली पत्नी से पैदा हुई बेटी की मौजूदा उम्र 22 साल है, जिनका नाम शगुफ्ता नसरीन है। 50 साल के सरदार जान मोहम्मद ने कहा है कि वो इतने बच्चे पैदा करके ही नहीं रुकेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो उनके घर में और भी बच्चे जन्म लेंगे। उनकी पत्नियां भी यही चाहती हैं। सरदार जान मोहम्मद क्वेटा शहर के ईस्टर्न बाईपास के पास रहते हैं। वो खुद बताते हैं कि उनका कोई बड़ा कारोबार नहीं है और परिवार के सभी सदस्यों का खर्चा क्लिनिक से ही चलता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कई बेटियां शादी के उम्र के लायक हो गई हैं, लेकिन वो उन्हें अभी और पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। सरदार जान मोहम्मद घूमने के भी शौकीन है। उनका मानना है कि उनके बच्चे पाकिस्तान के हर इलाके की सैर करें। हालांकि वो खुद ही बताते हैं कि बच्चों को अब कार में ले जाना संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से इससे मदद की अपील की है। जान मोहम्मद चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार उन्हें एक बस उपलब्ध कराए ताकि वो अपने बच्चे को सैर करा सके। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।